सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज पे आपको बहुत अच्छे से सजिए, 16 श्रृंगार कीजिए, शिव पार्वती जी की पूजा कीजिए, ठीक है। और गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा पैक लेकर आई हूँ जो कि आपका इंस्टेंट ग्लो लाएगा। हम तो हर की तैयारियों में इतने लगे होते हैं कि हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं होता है। तो आज जो मैं पैक लेकर आई हूँ, तैयार होने से सिर्फ आधा घंटा पहले आपको वो पैक 15 मिनट के लिए लगाना है और आप उसका रिजल्ट अपने चेहरे पे निखार ऐसा देखिएगा कि लोग भी आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा फेशियल करवाया है या क्या लगाया है जो आपके चेहरे पे इतना अच्छा निखार आया है। तो ये जो मैं पैक आपको बताने जा रही हूँ, ये कोई भी लगा सकता है, मेल भी लगा सकता है, फीमेल भी लगा सकता है, बच्चा भी लगा सकता है। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि नुकसान देगी। और अगर आपका पैक बच जाता है तो आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो पैक हमें कैसे लगाना है, बनाना है, लगाना है और फिर क्या करना है। तो पैक बनाने के लिए हमको चाहिए एक क्लीन बाउल, एक चम्मच लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर आपका प्लांट वाला है तो वो भी ले सकते हैं आप, और अगर आपका ये वाला एलोवेरा जेल है तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। एलोवेरा जेल हमें क्यों लेना है, क्योंकि ये हमारे स्किन का पीएच लेवल बढ़ाता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। पीएच लेवल का मतलब यही होता है, मैं आपको प्रीवियस अपनी उसमें भी बता चुकी हूँ वीडियो में, कि ये हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन का लेवल जो है ना, वो मेंटेन रखता है, मुहासों को, दाग धब्बों को भी दूर करता है, ग्लो लाता है, ठीक है। अब हमें चाहिए एक चम्मच हनी, शहद। जितना हमने एलोवेरा जेल लिया है उतना ही हमारे को चाहिए हनी, ठीक है। थर्ड हमें चाहिए इसमें कस्तूरी हल्दी, वाइल्ड टर्मेरिक। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, दाग धब्बों को दूर करती है, हमारे त्वचा का रंग निखारती है और हमारे शाइन भी लेके आती है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी, वाइल्ड टर्मेरिक नहीं है तो आप किचन की भी हल्दी ले सकते हैं, लेकिन वो आप बहुत थोड़ी सी लीजिएगा, क्योंकि जो किचन की हल्दी होती है वो अपना जो पीलापन होती है ना, वो छोड़ती है त्वचा पे, ठीक है। तो जिससे हमारी त्वचा पीली लगने लगती है, और ये वाली जो हल्दी होती है ये कभी भी अपना पीलापन नहीं छोड़ती है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा पैक बन के रेडी हो जाएगा। तो गाइस, पैक बन के हमारा रेडी है, वो मैंने आपको बता दिया है कि हमें कैसे पैक बनाना है। ये पैक जो है हम हाथ के हाथ बना के हाथ के हाथ लगा सकते हैं, मतलब इसे रखना जरूरी नहीं है कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रख दे और फिर अप्लाई करें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमारा फेस जो है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आप अपने फेस को फेस वॉश कर लीजिए, फेस वॉश लगा के अपना क्लीन कर लीजिए फेस। मेरा फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन है, पानी से धोया हुआ है, सिर्फ एक लिपस्टिक और हल्का सा काजल लगा हुआ है। तो अब मैं आपको ये फेस पैक जो है वो अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस फेस पैक से हमारा इंस्टेंट ग्लो आएगा, ठीक है। अब वर्ड्स में लगाना है, पूरी नेक को भी कवर करना है आपको। मैं थोड़ा ऊपर तक ही लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि फेस का और नेक का जो कलर है वो एक सा है, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये मैंने अपना पैक लगा लिया है, मेरा थोड़ा सा पैक इसमें बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, 15 मिनट्स तक आपको ये पैक रखना है, सिर्फ 15 मिनट्स जरूरी है इसको रखना, कोई ज्यादा देर तक के लिए जरूरी नहीं है। 15 मिनट्स बाद मैं आपको मिलती हूँ, फिर बताती हूँ इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो गाइस, ये मेरा जो फेस पैक है वो सूख चुका है, 15 मिनट्स मुझे हो चुके हैं।
एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम ये पेस्ट लगाते हैं तो बहुत ही स्मूथ लगता है, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं लगती, लेकिन जब ये पैक सूख जाता है तो थोड़ी सी चिपचिपाहट लगती है, हमारा फेस थोड़ा सा खिंचता है। ठीक है, वैसे तो ये पैक निखार लाने के लिए अपने में पूरा है, लेकिन अगर हमें इसके लिए डबल निखार चाहिए और दुगना निखार चाहिए तो हमें क्या करना होगा, एक केले का छिलका लेना होगा। ये मैंने केले का छिलका लिया जो थोड़ा कालेपन पे हो दोस्तों, वो वाला छिलका लेना है। अब हमें क्या करना है, जो मेरा फेस पैक थोड़ा सा कटोरी में बचा हुआ था उससे मैं इससे केले के छिलके पे लगा के मसाज करूंगी। अगर आपका पैक बिल्कुल खत्म हो चुका है तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल या थोड़ा सा हनी लेके मसाज कर लेंगे। ये देखिए, ये है, मैंने इस पे ये जो पैक बचा हुआ था ये लगा लिया। मेरा ये पैक जो है सूखा हुआ है, अब मैं इसे करूंगी मसाज। ये हमने कर ली है मसाज, 2 मिनट तक आपको मसाज करनी है। आपके जो नेक के साइड्स होते हैं आप उन पे भी करिएगा, इससे कालापन भी दूर होगा। अब मैं आपको अपना पैक जो है वो धो के दिखाती हूँ फेस, फिर आप देखिएगा कि इसका निखार कैसा आता है। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने अपना फेस जो है पानी से धो लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसका कैसा रिजल्ट आया है, आपको दिख रहा होगा कि कैसा निखार आया है, इंस्टेंट ग्लो आया है। ठीक है, तो कस्तूरी हल्दी हम इसलिए डालने को कहते हैं वाइल्ड टर्मरिक, क्योंकि वो अपना पीलापन जो है वो नहीं छोड़ती है। आप देख सकते हैं मेरा फेस पैक लगाने के वक्त कितना पीला था, और अभी मैं पानी से धोकर आई हूँ, सिर्फ पानी से ही धोना है अपने फेस को, और कितना अच्छा निखार आया है, व्हाइटनेस लग रही है चेहरे पे, निखार लग रहा है चेहरे पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें एलोवेरा का तो पैक हमने लगाया ही था, अगर आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अब इसके बाद रोज वाटर का स्प्रे करूंगी। स्प्रे किया और हल्का हल्का सा डैप कर लिया। ये देखिए, ठीक है, ऐसे करना है आपको और ऐसे ही अप्लाई करना है सब कुछ जैसे जैसे बताया है। तो देखिए आप क्या रिजल्ट है, आप भी ट्राई कीजिएगा जरूर। तो गाइस, आपने देख लिया है कि हमें पैक जो है कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, और हमें स्टेप टू स्टेप क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही सारी चीजें फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ट्राई जरूर कीजिएगा और रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा रहा, आपको किसने क्या कहा और क्या बोला कि आपके चेहरे का जो निखार है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, आप कैसे लग रहे थे तैयार होके। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या क्या आपको कमेंट्स मिले हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और कहना चाहती हूँ, जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो जरूर बताइएगा, मेरा साथ जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।